थाना सिविल लाइन के क्षेत्र काजीपुरा निवासी बिल्डर के साथ कोठियों का निर्माण करने वाले इस्लाम और उसका बेटा फरमान पिता को बुखार आने पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया था, जहां डॉक्टरों ने इस्लाम को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। घर में फरमान की भाभी अकेले दूसरे कमरे में सो रही थी। इस्लाम ने बताया, गत 21 अक्टूबर को दिन दहाड़े चोर घर में घुसे और अलमारियों के सेफ का ताला तोड़कर उसमें रखे 50,000 रुपए नगद सोने चांदी के गहने चुरा कर ले गए। फरमान ने पुलिस को बताया, चोर 10 लाख रुपए का माल चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने गत 21 अक्टूबर को हुए इस चोरी के मामले में थाना सिविल लाइन में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने चोरों की तलाश में एक टीम का गठन करते हुए अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया है। साथ ही रास्तों पर लगे कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। इंस्पेक्टर सिविल लाइन राम प्रसाद शर्मा ने पीड़ितों को यकीन दिलाया है, उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो है 21 अक्टूबर की है। कितना माल गया? सनीचर का था। कितना माल गया? लगभग ऐसी अंजाद में सब मैं 50,000 रुपए और 10 लाख रुपए का लगभग जेवरात चला गया। कितने का? 10 लाख रुपए का। अच्छा, तो क्या क्या घर में कौन था उस समय? घर में उस समय जो है मेरा बेटा जो है मेरे पास था अस्पताल में, फोन टोन में मैं था भर्ती 5 दिन से। तो 10 बजे मेरा बेटा जो है आया घर पे, मेरी बेटी को जो है दवा दिला के लाया, अपनी माँ के साथ गया और उनके डॉक्टर दत्ता के वहाँ से 1 बजे फिर जो है वो उसे दवाई जो है। घर में कौन था अकेला? घर में भी वो थी, मेरे लड़के की बहू थी। क्या नाम उनका? उनका वो नाम है जैनब। अच्छा, ये अब ये उनके पीछे ये हो गया था? हाँ, इतने मेरा लड़का आया 1 बजे मुझे करके गया, यहाँ से 1 से 1.5 के बीच में गया खाना वाना खा के। तो जैनब थी, जैनब जो है उन्हें खाना वाना खिला के और जैनब जो ही लेट गई अपने बच्चे को लेके। इस दौरान ये काम हो गया? हाँ, तो उसे 1 से 3 के बीच तक जो है ये काम हो गया। अब क्या चाहते हो आप? बस मैं अब प्रशासन से जब गुहार लगा रही हूँ कि इसका जो है खुलासा करा जा और जो दोषी हों उनके निर्दोष जो है कार्रवाई हो। ठीक। और क्या कहें जी, बस प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ।